परम उपकारी विनयवंत गुरुदेव, प्रतिक्रिया शून्य अन्वेषक, संकट काल के मार्गदर्शक, बिगड़ी को बनाने वाले क्षमा की प्रतिमूर्ति, वचन सिद्ध त्रिकालज्ञ थे। वे अहिंसा, संयम, तप के सच्चे सिद्ध व साधक होने के कारण पंच परमेष्ठी पद में प्रविष्ट होते हैं। गुरुवर ने जिन वाणी की अलख जगाते हुए जीवन पर्यंत अपने आप को गतिमान रखा। चातुर्मास, व्याख्यान व विहारों में धर्म देशना देते हुए लोक मंगल, जन कल्याण व परमार्थ की नवधारा प्रवाहित की। आपने अनेक तीर्थों सहित तपोभूमि मोक्षस्थली सिद्धाचल तीर्थ की वृहद संघ के साथ यात्रा कर वहां अष्टानिका महोत्सव का आयोजन किया। काया ध्यान में जानते सब राज, राजेंद्र सूरि गुरु महाराज। हो गुरुवर वाणी जाए न खाली, महिमा गुरु की जग में निराली। जय गुरुदेव, बोलो जय जय गुरुदेव, मोहन खेड़ा वाले जय जय गुरुदेव। सत्पुरुष, महात्मा, साधुजन लोक कल्याण के लिए ही अवतरित होते हैं और अपना कर्म धर्म कर मृत्यु का मंगलमय विधान धारण कर नवलोक की ओर गमन करते हैं। जाय जीव मरेवा निर्ग्रंथ की यह उक्ति अनुरूप गुरुवर श्री ने अपनी मृत्यु तिथि निश्चित जान राजगढ़ में अंतिम आराधना पश्चात कहा, ये शरीर नाशवान है, जो पैदा हुआ उसे मरना ही है, मृत्यु से डरे नहीं, ये तो परिवर्तन की उत्सवमयी बेला है। तप, उपासना और पुण्य कार्यों से भव सुधरता है। यथार्थ के सत्य को नम्रता पूर्वक ग्रहण करो, संयम की लगाम जीवन को निर्मल और पवित्र बनाए रखती है। श्री जिनवाणी का आलोक ही मंगलमय कल्याण का मार्ग है। गुरुवर श्री ने चतुर्वेद श्री संघ से क्षमा याचना करते हुए कहा, सारणा वारणा चोरणा करते हुए सुशिक्षा देते हुए तुम्हारे जीवन को तेजोमय सामर्थ्यवान बनाने के प्रयास में तुम्हारी आत्मा को मुझसे कोई क्लेश पहुंचा हो तो उसे क्षमा करना। मिच्छामि दुक्रम। ये कहते हुए गुरुवर ने संलेखना व्रत धारण कर लिया। 6 दिवस की अंत्याराधना पश्चात विक्रम संवत 1963 की पौष शुक्ला षष्ठी की रात ओम अरहम नमः के मोक्षमय उच्चारण के साथ उन्होंने अपनी नश्वर देहत्याग महाप्रयाण कर लिया और इस महामना धर्मपुंज अवतारी श्रमणाचारी के देह का अंतिम संस्कार अगले दिन उन्हीं की जन्मतिथि पौष शुक्ला सप्तमी को लाखों लाख श्रद्धालुओं की आस्था में उपस्थिति के बीच मोहन खेड़ा तीर्थ की पावन स्थली पर किया गया। मोहन खेड़ा के हैं सरदार।
जगाए। श्रीमद् गुरुवर की निर्मल व प्रेरणामयी जीवन गंगा का कल्याणमय चरणामृत हमारे जीवन के क्लेशों को मिटाकर ज्योतिर्मय बनाएगा, ऐसी हमारी निष्ठामयी आस्था है। हम गुरु चरणों में अपने को समर्पित करते हैं। माता के सर बैरा लाल सगला मुख तारा करता।
अभिज्ञान पोषणी करी सिर्जना ज्ञान रुदीप जगायो जी त्रियो दार कियो खुद स्वामी जग में नाम कमायो जी जैन शासन दिवाकर विश्व पूज्य भक्त प्रेरक श्री पूज्य राजेंद्र सुरेश्वर जी महाराज द्वारा रोपित व अपनी देह भस्मी से सिंचित श्रमण संस्कृति का विराट तेजोमय पटवृक्ष श्री मोहन खेड़ा देव जो अरिहंत व आचार्य की द्वय धर्म सरिता है जिसकी निर्मला में कल्याण का भाव सतत प्रवाहित है। इस महातीर्थ को पूज्य गुरु श्री राजेंद्र सुरेश्वर जी के पश्चात सौधर्म बृहत तपागच्छ परंपरा के 71वें व गुरु पाठ परंपरा के 4थे आचार्य श्रीमद विजय यतेन्द्र सुरेश्वर जी महाराज साहब की प्रेरणा से मुनिवर श्री अमृत विजय जी के निर्देशन में प्रथम जीर्णोद्वार संवत 1991 में किया गया। दादा गुरु की प्रेरणा से इस लोक आस्था के श्रद्धामय तीर्थ का बहुआयामी विस्तार या यूं कहें कायाकल्प विक्रम संवत 2034 में पंचम पाटवी आचार्य श्री विद्याचंद्र सुरेश्वर जी की पावन निश्रा में हुआ। वर्तमान में विश्व कीर्ति प्राप्त इस तीर्थ का कुशल संचालन व विकास राष्ट्र संत शिरोमणि वर्तमान गच्छाधिपति
श्रीमद विजय हेमेंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब की पावन निश्रा में श्री आदिनाथ राजेंद्र जैन श्वेतांबर तीर्थ पेड़ी ट्रस्ट श्री मोहन खेड़ा द्वारा किया जा रहा है। ट्रस्ट मंडल द्वारा यहां आने वाले श्रद्धालुओं के लिए व्यापक सुविधाएं सृजित की गई हैं। साथ ही पेढ़ी द्वारा सामाजिक सरोकार की विभिन्न महत्ते कार्य योजनाएं भी संचालित की जा रही हैं। ज्ञान ध्यान व श्रद्धा की त्रिवेणी तपोभूमि पर पूज्य दादा गुरुदेव के अवतरण और निर्वाण पर्व तिथि पोष शुक्ला सप्तमी को प्रति वर्ष एक विहंगम धर्म मेले का आयोजन होता है, जिसमें असंख्य भक्तों की आस्था का ज्वार उमड़ पड़ता है।
सदा वैराग्य रस में ओतप्रोत रखें। क्षमा अमृत है, क्रोध विष है, परिग्रह और संचय शांति का शत्रु है। इसे छोड़ संतोष धन धारण करें। शरीर कहने में है तभी आत्म कल्याण की साधना कर ले। सच्चे जैन श्रावक बने। 24 कृतियों की आचरणा कर मोक्ष मंदिर को प्राप्त करें। प्रतिपल प्रतिपल जिनेश्वर वाणी की आराधना करें और भाव भ्रमण के रोग से मुक्त हो जाएं।